जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट हैबिट बिल्डिंग के ऊपर लिखी गई बुक में से सबसे ज्यादा पावरफुल और प्रैक्टिकल बुक है। विश्वास नहीं हो रहा ना, तो चलिए आप खुद ही देख लीजिए। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम स्काई की हालत बहुत ही खराब थी, क्योंकि 1908 से 2003 तक ओलंपिक गेम्स में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल जीत पाई थी। उनका परफॉर्मेंस दिन ब दिन खराब होता जा रहा था और साइकिलिंग की सबसे बड़ी रेस टूर दी फ्रांस में भी उनका परफॉर्मेंस सबसे खराब था, जिसे देख के यूरोप की एक साइकिल मैन्युफैक्चरर कंपनी ने तो उनको साइकिल देने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं लोगों को पता चल गया कि ब्रिटिश साइकिलिंग टीम उनकी साइकिल यूज करती है तो उनके सेल्स और उनकी रेपुटेशन पर काफी बुरी असर होगी। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए ब्रिटेन साइकिलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को नए कोच के तौर पर हायर किया। डेव ब्रेल्सफोर्ड पिछले सभी कोच से काफी अलग थे, क्योंकि वो स्ट्रेटजी से काम करते थे, जो थी द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। मतलब कि अगर हमारे काम के छोटे से छोटे हिस्से को 1% बेटर तरीके से किया जाए तो एट दी एंड सभी हिस्सों को जोड़ने पर रिजल्ट एक्सेलेंट मिलेगा। डेव ब्रेल्सफोर्ड ने इसी प्रिंसिपल को अपने वर्क में अप्लाई किया। उन्होंने साइकिल की सीट रीडिजाइन करी जो ज्यादा कंफर्टेबल हो, राइडर्स के लिए अलग अलग फैब्रिक्स ट्राई किए जो लाइटवेट हो, टायर की अच्छी ग्रिप के लिए उस पर अल्कोहल घिसा। वहां पर भी वो रुके नहीं, उन्होंने हर वो एक चीज को 1% इम्प्रूव करने की कोशिश करी जो साइकिलिंग से रिलेटेड थी, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने स्पेशल पिलोज और मैट्रेसेस बनवाए जिससे राइडर क्वालिटी स्लीप ले सके। उन्होंने डॉक्टर से हैंड वॉशिंग की प्रॉपर टेक्निक सीखी जिससे उनके राइडर्स बीमार ना पड़े। अपने राइडर्स के लिए अलग अलग मसाज जेल को जाना जो सबसे फास्ट मसल रिकवरी दे पाए। मतलब कि डेव ब्रेल्सफोर्ड ने राइडर्स की आंखों के आई ड्रॉप से लेकर साइकिल की चेन में लगने वाले ऑयल तक सभी चीज़ों को रीडिजाइन करके 1% इम्प्रूव करने की कोशिश करी। इसका रिजल्ट उन्हें 2008 में बेजिंग में हुई ओलंपिक गेम्स में देखने को मिला कि 60% गोल्ड मेडल्स उनकी टीम के पास थे, और नेक्स्ट लंदन ओलंपिक में उनकी टीम ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। डेव ब्रेल्सफोर्ड की स्ट्रेटेजी द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स यानी कि 1% इम्प्रूवमेंट ने 2007 से लेकर 2017 तक के 10 साल में ही एक ऑर्डिनरी साइकिलिंग टीम को 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 66 ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल्स और 5 टूर दी फ्रांस में जीत हासिल करने के काबिल बना दी। वैसे 1% इम्प्रूवमेंट को तो हम नोटिस भी नहीं कर सकते, पर लॉन्ग रन में वो कंपाउंड इफेक्ट की तरह बहुत ही इफेक्टिव रिजल्ट दे सकता है। ऑथर कहते हैं कि आप कुछ भी पाने के लिए गोल्स की बजाय सिस्टम बनाओ, क्योंकि गोल्स डायरेक्टली रिजल्ट से रिलेटेड है, जबकि सिस्टम प्रोसेस से रिलेटेड है जो आपको गोल तक पहुंचा सकती है। हेल्दी एंड फिट बॉडी बनाना एक गोल है, पर हेल्दी फूड खाना और एक्सरसाइज करना एक सिस्टम है। एग्जाम में 98% लाना एक गोल है, पर डेली रीडिंग और सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझना एक सिस्टम है। गोल्स डायरेक्शन सेट करने के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हो तो सिस्टम को ही फॉलो करो, क्योंकि विनर्स और लूजर्स दोनों के गोल्स तो सेम ही होते हैं, पर जो सिस्टम को फॉलो करता है, जो कंटिन्यू स्मॉल इम्प्रूवमेंट करता है, वो अपने गोल को इजीली पा लेता है। इसीलिए ही तो गोल सेट करके कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करने वाले को विनर और सिर्फ गोल सेट करके कुछ भी ना करने वाले को लूजर कहते हैं। जैसे कोई भी मटेरियल छोटे छोटे एटम्स से बना होता है, ठीक उसी तरह रिमार्केबल रिजल्ट्स भी एटॉमिक हैबिट से बने होते हैं। इसलिए अगर आप रिमार्केबल रिजल्ट्स अचीव करना चाहते हो तो गोल्स को भूल जाओ और सिस्टम को फॉलो करो। जनरली हैबिट्स दो तरह से बदली जा सकती है, आउटकम बेस्ड एंड आइडेंटिटी बेस्ड। ज्यादातर लोग अपनी हैबिट को आउटकम के जरिए बदलना चाहते हैं, पर इसके बजाय हमें आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट को फॉलो करनी चाहिए। एग्जाम्पल देके बताऊं तो दो आदमी है जो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, पर जो आदमी आम लोगों की तरह आउटकम बेस्ड हैबिट से स्मोकिंग छोड़ने की ट्राई कर रहा है, अगर उसको आप सिगरेट की ऑफर करो तो वो कहेगा कि नो थैंक्स, मैं स्मोकिंग छोड़ने की ट्राई कर रहा हूँ। पर जो इंसान आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट बिल्ड कर रहा है वो कहेगा कि नो थैंक्स, मैं स्मोकर नहीं हूँ। ये स्टेटमेंट बहुत ही छोटा है, पर इसकी इफेक्ट बहुत ही बड़ी है। लोग इम्प्रूवमेंट तो करना चाहते हैं, पर अपनी आइडेंटिटी बदलना नहीं चाहते, इसीलिए ही तो वो ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी सभी एक्शंस हमारे सेट ऑफ बिलीफ से ही जनरेट होती है। जो काम आप बार बार करते हो वो ही आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आपकी हर एक एक्शन आप जो पर्सन बनना चाहते हो उसके लिए वोट करती है, क्योंकि कोई भी सिंगल काम आपकी आइडेंटिटी नहीं बदल सकता, पर उसकी रिपीटेबिलिटी ही बदल सकती है। जब भी आप कुछ लिखते हो तो आपकी राइटर की आइडेंटिटी में प्लस पॉइंट होता है। जब भी आप दूसरे लोगों से कॉन्फिडेंटली और अच्छी तरह से बात करते हो तब आपकी पब्लिक स्पीकर की आइडेंटिटी बढ़ती है। जब भी आप दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हो तब आपकी लीडर की आइडेंटिटी बढ़ती है। इसलिए आप डिसाइड करो कि आप कैसे पर्सन बनना चाहते हो और उसमें छोटे छोटे स्टेप्स लेके वोट डालते रहो। अगर जेंटलमैन बनना चाहते हो तो आपके बोलने का तौर तरीका, आपका ट्रैवलिंग के दौरान बस और ट्रेन में बिहेवियर भी ऐसा होना चाहिए जो एक जेंटलमैन का बिहेवियर हो।
क्योंकि हम आइडेंटिटी बेस्ड यानी कि अपनी बिलीफ सिस्टम के साथ अपनी हैबिट को बदल रहे हैं। हमारी आदतें टोटल 4 स्टेप से जनरेट होती है, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्यू वो चीज़ है जो आपको रिवॉर्ड याद दिलाती है, क्रेविंग हमें रिवॉर्ड पाने के लिए मजबूर करती है, और हमारा रिस्पॉन्स हमें रिवॉर्ड दिलाता है। और हम रिवॉर्ड इसीलिए चाहते हैं क्योंकि या तो हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलेगा या तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। हैबिट एक बिहेवियर है जो ज्यादा रिपीट होने पर ऑटोमेटिक बन जाता है, और हैबिट बनाने का हमारा मकसद प्रॉब्लम्स को बहुत ही कम एनर्जी और एफर्ट से सोल्व करना होता है। कोई भी हैबिट को हम 4 पार्ट्स में बांट सकते हैं, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। और इस 4 पार्ट में से कोई एक चीज भी इनसफिशियंट होगी तो वो बिहेवियर हमारी आदत नहीं बनेगा। क्यू को हटा दो तो हैबिट स्टार्ट ही नहीं होगी, क्रेविंग को कम कर दो तो आपको वो काम करने का मन ही नहीं करेगा, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बना दो तो आप उसे कर ही नहीं पाओगे, और अगर रिवॉर्ड आपकी डिजायर को सेटिस्फाई नहीं कर पाया तो आप उसे दोबारा नहीं करोगे। इस क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड की पूरी प्रोसेस को एग्जाम्पल देके बताऊं तो, आप बैठे हैं, आपका फोन बजा, वो क्यू है। आप मैसेज को रीड करना चाहते हो कि उसमें क्या लिखा है, वो क्रेविंग है। आप अपने फोन को उठा के मैसेज को रीड करते हो, वो रिस्पॉन्स है। और मैसेज रीड करके आपको जो फीलिंग हुई वो रिवॉर्ड है, और रिवॉर्ड जितना ज्यादा सेटिस्फाइंग होगा उतनी ही बार आप वो प्रोसेस को रिपीट करना चाहोगे। अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हो तो आपको क्यू को विजिबल, क्रेविंग को अट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को इजी और रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बुक्स रीडिंग की हैबिट बिल्ड करना चाहते हो तो आपको अपने क्यू को यानी कि बुक्स को विजिबल बनाना पड़ेगा, मतलब कि आप उसे कहीं ऐसी जगह पर रख दो जहां आप उसे इमीडिएटली देख सको, जैसे सोफा पर, अपने बेड के ऊपर, कहीं टेबल पर, एटसेट्रा, जिससे आप तुरंत नोटिस कर सको कि हाँ, मुझे बुक रीड करनी है। नेक्स्ट स्टेप है क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाना। उसके लिए आप बुक्स में बुक मार्क लगाओ, जिससे आपने जितना रीड किया था वो आपको आसानी से मिल जाए, और 10-15 मिनट के शॉर्ट टाइम में भी आप उसे आसानी से रीड कर सको। बुक्स को आप अपने हैंड रीजन में भी रख सकते हो, यानी कि आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर से अपने हाथों को फैलाने पर बुक आपके हाथों में आ जानी चाहिए, जिससे रिस्पॉन्स इजी बन जाए। बुक्स को कभी भी ऐसी जगह पर मत रखो कि आपको उसे लेने के लिए थोड़ा बहुत भी एफर्ट लगाना पड़े, बस आप उसे क्विकली ले सको ऐसी जगह पर रख दो। लास्ट स्टेप है रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाना। किस टाइम पर कौन सी बुक रीड करनी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सही बुक्स को चूज करके आप अपने सेटिस्फैक्टरी लेवल को बढ़ा सकते हो। और अगर आप बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हो तो यही प्रोसेस को रिवर्स कर दो, यानी कि क्यू को इनविजिबल, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव, रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट और रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बना दो। फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल एडिक्शन को छोड़ना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप है क्यू को इनविजिबल बनाना, यानी कि आप अपने मोबाइल को कहीं ऐसी जगह पर रख दो जहां आप उसे आसानी से ना देख सको। नेक्स्ट, क्रेविंग को अनअट्रैक्टिव बनाने के लिए आप ऐसा सोच सकते हो कि बार बार अपने मोबाइल को अनलॉक करके उसमें स्क्रोलिंग करने से और हर रोज एक ही एप्स को खोल के देखने से आज तक आपको कुछ नहीं मिला, और इसी तरह धीरे धीरे आप अपनी मोबाइल की क्रेविंग को कम कर सकते हो। रिस्पॉन्स को डिफिकल्ट बनाने का तरीका जो मैंने अपनाया था वो शायद सबसे इफेक्टिव था। मैंने फेस और फिंगरप्रिंट लॉक को हटा के 12 डिजिट का एक पासवर्ड बनाया, जिसमें कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन था, और ऐसे डिफिकल्ट पासवर्ड को टाइप करने में ही मुझे 10 से 15 सेकंड लग जाते थे, जिससे बार बार फोन अनलॉक करके एप्स को खोल के देखने की मेरी आदत कुछ ही दिनों में छूट गई। क्योंकि सिर्फ छोटे से इमोशनल रिलीफ के लिए आपके ब्रेन को कॉम्प्लेक्स पासवर्ड याद रख के टाइप करना पसंद नहीं है, इसीलिए वो कभी भी यूं ही आपको फोन अनलॉक करने के लिए नहीं बोलेगा। और लास्ट, रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बनाने के लिए आप अपने फोन में से टाइम वेस्टिंग एप्स को डिलीट कर दो, और अगर आप कुछ ज्यादा ही अपने फोन से एडिक्टेड हो तो उसको ग्रेस्केल में यूज करो, जो आपने सोचे हुए रिवॉर्ड को अनसेटिस्फाइंग बना देगा। तो ये तो हुई सिंपल सी बात है कि अच्छी आदतों को बनाने के लिए हम क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड को विजिबल, एट्रेक्टिव, इजी और सेटिस्फाइंग बना दे, और बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हम इसी प्रोसेस को उल्टा कर दे, यानी कि क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड को इनविजिबल, अनएट्रेक्टिव, डिफिकल्ट और अनसेटिस्फाइंग बना दे। चलिए अब कुछ इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल्स को जानते हैं जो हमारी आदतों से रिलेटेड है। हमारी ज्यादातर आदतें दी क्लोज, दी मैनी एंड दी पावरफुल इस 3 ग्रुप से ही बनती है, यानी कि हम वो आदतों को जल्दी से फॉलो करने लगते हैं जो आदतें हमारे नजदीकी लोग फॉलो करते हैं, जो आदतें कई सारे लोग फॉलो करते हैं और जो आदतें पावरफुल लोग फॉलो करते हैं। कई लोगों को लगता है कि उनमें मोटिवेशन की कमी है, उनमें मोटिवेशन नहीं है, इसीलिए ही वो काम स्टार्ट नहीं कर पा रहे, पर हकीकत तो ये है कि उनमें मोटिवेशन की नहीं पर क्लैरिटी की कमी है, यानी कि उनको पता ही नहीं है कि क्या, कब और किस तरीके से स्टार्ट करना है।
हम इंडियंस ने मोटिवेशन को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है, जबकि मोटिवेशन से ज्यादा एनवायरनमेंट मैटर करता है। बोस्टन की एक हॉस्टल के कैफेटेरिया में स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे थे। इस बात की खबर फूड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को मिली। उन्होंने स्टूडेंट्स को कुछ भी बोले बिना उनको कोल्ड ड्रिंक्स की जगह पानी पीने के लिए इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने कैफेटेरिया में वाटर बॉटल्स और कोल्ड ड्रिंक्स की अरेंजमेंट ही कुछ इस तरीके से कर दी जिससे स्टूडेंट कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय वाटर बॉटल्स लेने लगे। लोग प्रोडक्ट के बेनिफिट्स की बजाय वो कहाँ पर रखी गई है उसके हिसाब से उसे चूज करते हैं। जैसे आपके किचन में जो आइटम पैक करके अंदर रखी हुई होगी उसे आप जल्दी से नहीं उठाओगे, पर जो आइटम्स फ्रिज में या किचन के प्लेटफॉर्म पर कहीं रखी होगी उसे आप यूं ही चलते चलते खाते जाओगे। क्योंकि एनवायरनमेंट के पास ऐसे इनविजिबल हैंड्स है जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर को बहुत ही आसानी से बदल सकते हैं। एम्स्टर्डम एयरपोर्ट के वॉशरूम को क्लीन रखने के लिए एयरपोर्ट क्लीनिंग स्टाफ ने एक सिंपल बट पावरफुल एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक छोटे से बग के स्टिकर को यूरिनल के बीच में लगा दिया जिससे जो भी आता था वो उसी बग को टारगेट करके हटाने की कोशिश करता था, और इसी एक्सपेरिमेंट से यूरिनल के आसपास स्पिलेज काफी कम हुआ जिससे एयरपोर्ट के वॉशरूम ज्यादा क्लीन और फ्रेश रहने लगे। हमें लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बहुत ही ज्यादा विल पावर और सेल्फ कंट्रोल की जरूरत है, पर ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन लोग अपनी लाइफ को कुछ इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि उनको डिसिप्लिन में रहने के लिए किसी भी तरह के सेल्फ कंट्रोल की जरूरत नहीं रहती। फॉर एग्जाम्पल, अगर उनको लगता है कि टीवी उनका बहुत ही ज्यादा टाइम बिगाड़ रहा है तो वो टीवी को ही उठा के फेंक देते हैं, यानी कि ना रहा टीवी ना रहे प्रॉब्लम्स। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ही आसान है अगर आप उसे सिस्टमेटिक तरीके से बिल्ड करने की कोशिश करो तो। सेल्फ डिसिप्लिन, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन और हार्डवर्क के जरिए आप कुछ भी कर सकते हो, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्टोरी ऑफ पोल्गर सिस्टर्स। हंगेरियन चेस टीचर और एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट लास्लो पोल्गर हार्डवर्क पे बिलीव करते थे। उनका मानना था कि डेलिब्रेट प्रैक्टिस और अच्छी आदत को बिल्ड करने से अब बच्चों को किसी भी फील्ड में जीनियस बना सकते हो। उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए कार्ला को चुना जो एक टीचर थी, और वो भी मानती थी कि प्रॉपर इंस्ट्रक्शन से हम हमारी स्किल को एडवांस कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए लास्लो और कार्ला ने चेस को चुना और अपने बच्चों को चेस में वर्ल्ड क्लास तक पहुंचाने का पूरा प्लान तैयार किया। लास्लो पोल्गर और कार्ला को तीन बेटी हुई जिसका नाम सुजान, सोफिया और ज्यूडिट था। सुजान और सोफिया ने चेस में काफी कुछ अचीव किया, पर ज्यूडिट जो सबसे छोटी थी उसने तो 12 साल की एज में ही टॉप 100 चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड में जगह बना ली, और सिर्फ 15 साल की एज में ही वर्ल्ड की सबसे यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बनी, जिसकी वजह से 27 साल तक वो नंबर 1 फीमेल चेस प्लेयर इन द वर्ल्ड बनी रही। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि अच्छी आदतों को बिल्ड करके और प्रॉपर एनवायरनमेंट के सपोर्ट से हम काफी कुछ अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं पेपर क्लिप स्ट्रेटजी के बारे में, एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसने एक सामान्य बैंक एम्प्लॉय को 6 फिगर इनकम दिला दी। स्टीफन के डेस्क पर दो जार रहती थी जिसमें एक जार 120 पेपर क्लिप से भरी होती थी और दूसरी खाली। स्टीफन हर रोज आके सेल्स कॉल करता था और कॉल कंप्लीट होने के बाद वो एक पेपर क्लिप को उठा के दूसरी जार में डालता था, और इसी तरह हर रोज वो 120 पेपर क्लिप के साथ डे स्टार्ट करता था और तब तक सेल्स कॉल करता ही रहता था जब तक वो 120 पेपर क्लिप्स को मूव ना कर ले। स्टीफन के सिंपल सीक्रेट ने बैंक को कुछ ही महीनों में कई मिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट करवाया जिससे उनकी इनकम मामूली 5 फिगर से बढ़कर 6 फिगर हो पाई। पेपर क्लिप स्ट्रेटेजी का यूज अपनी प्रोग्रेस को विजुअली मेजर करना है। मेथड आप कोई भी चुन सकते हो, जैसे कि मार्बल्स को एक कंटेनर में से दूसरे में मूव करना, पर एम सिर्फ एक ही है कि अपनी प्रोग्रेस को विजुअली मेजर करने से आप क्लियरली देख पाओगे कि आपके पास अभी कितना टाइम बाकी है, जो आपको कंटिन्यूस प्रोग्रेस करने में हेल्प करेगा। हैबिट ट्रैकिंग के कई सारे फायदे हैं, क्योंकि जब आपका मूड ना हो तब आपने की हुई प्रोग्रेस को भूल जाना आम बात है, पर हैबिट ट्रैकिंग आपके हार्डवर्क का विजुअल प्रूफ है जो आपको याद दिलाता है कि आप पहले कहाँ थे और आपने कितनी प्रोग्रेस की है। आपने इस सेंटेंस को तो कई बार सुना होगा कि थिंक आउटसाइड ऑफ द बॉक्स या अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, पर कोई स्पेसिफिकली नहीं बताता कि वो कौन से बॉक्स और किस कंफर्टेबल जोन की बात कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझे एटॉमिक हैबिट में से मिला जो है द गोल्डीलॉक्स जोन। ह्यूमन ब्रेन को चैलेंजेस पसंद है, पर वही चैलेंजेस जो हमारी डिफिकल्टी लेवल के ऑप्टिमल जोन में हो। एग्जाम्पल देके बताऊं तो आपको टेनिस खेलना पसंद है, पर अगर आप एक 10 साल के बच्चे के साथ सीरियसली खेलना स्टार्ट करोगे तो जल्द ही बोर हो जाओगे क्योंकि वो बहुत ही आसान है। उससे उल्टा अगर आप टेनिस के प्रोफेशनल प्लेयर्स रोजर फेडरर और सेरेना विलियम्स के साथ खेलना स्टार्ट करो तो आप जल्द ही मोटिवेशन खो देंगे क्योंकि वो बहुत ही डिफिकल्ट है। पर जब आप टेनिस आपके इक्वल प्लेयर के साथ खेलोगे तो कभी आप जीत पाएंगे कभी वो जीतेगा, और आप तभी जीत पाओगे जब आप थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट लगाओगे। और यही है गोल्डीलॉक्स जोन, कि इंसान तभी सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होता है जब वो उनकी करंट एबिलिटीज की एज पर हो, ना बहुत हार्ड ना ही बहुत ईजी, जस्ट राइट एट द एज। जो कभी कभार आपने क्रिकेट मैच में भी देखा होगा,
कि जब दोनों टीम पावरफुल हो और जीतने में कुछ ही रन्स और कुछ ही बॉल्स बाकी हो, तब टीम जो दम लगाकर खेलती है वही उनके कंफर्टेबल जोन को स्ट्रेच करती है। इसीलिए हमें भी कंफर्टेबल जोन को स्ट्रेच करने के लिए अपनी डिफिकल्टी लेवल से थोड़ा दूर जाना है। पर याद रखे, थोड़ा सा ही दूर जाना है, बहुत दूर नहीं जाना, क्योंकि हमें हमारे कंफर्टेबल जोन को स्ट्रेच करना है, फाड़ नहीं देना। आज लोग फेलियर की वजह से नहीं पर बोर्डम की वजह से सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि मास्टरी हासिल करने के लिए एक ही काम बार बार करना पड़ता है और एक ही काम को बार बार करने से आप बोर हो जाते हो और वो काम को छोड़ देते हो और मानते हो कि सक्सेसफुल लोगों के पास बहुत ही पैशन होता है। पर कई सारे कोच का कहना है कि सक्सेसफुल लोग भी सामान्य लोगों की तरह बोर हो जाते थे, उनको भी सामान्य लोगों की तरह लैक ऑफ मोटिवेशन और बोर्डम फील होता था, पर फिर भी वो प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखते थे जो एट दी एंड उन्हें वर्ल्ड क्लास बनाती थी। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट हैबिट बिल्डिंग के ऊपर लिखी गई सभी बुक्स के कंटेंट को कवर कर लेती है। अगर आप आदतों को समझना चाहते हो तो एटॉमिक हैबिट बेस्ट बुक है जो आपको रीड करनी चाहिए। अगर आप इस बुक को रीड करना चाहते हो तो इस बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जो आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया सिखाएगी। धन्यवाद।